नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप सरकार और आज हम दिखाएंगे काहर व ताल ड्राम्स में कैसे हम लोग बजाएंगे। ओके, तो काहर व ताल हम लोग जो ऐसे इंडियन स्टाइल में जो हम बोल ढोलक में और तबला में बजता है, और बहुत सारा गाना है इस ताल में, तो हम लोग जो ड्रामर है वो उसी ढोलक या तबला का गाना का साथ एक साथ हम लोग कैसे कौन सा पैटर्न बजाएंगे, तो वही हम दिखाएंगे। और सबसे बढ़िया बात है, जैसे कि देखो काहर व ताल था के ते के ना के थी ना, मतलब 8 मात्रा है, था गे ते टे ना गे दी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मात्रा का गाना है, कोई भी गाना हो सकता है। धा गे ते टे ना गे दी ना, धा गे ते के ना गे दी ना। ओके, तो ये धा मतलब जो लो ओरिएंटेड है, और वो ना के दी ना वो हाई ओरिएंटेड खाली वाली जिसको बोलता है। तो ये दोनों धा गे ते टे ये 4 मिला के एक बार, और ना गे दी ना ये अलग। ओके, और ये जैसे कि ढोलक में बस धिंग छिकन आके धीना, धिंग छिकन आके धीना, धिंग छिकन आके धीना, ढोल तबला सब मिला के, ढोलक तबला सब मिला के बजता है। तो हम लोग ये इसको कई तरह का पैटर्न हम आज दिखाएंगे, क्योंकि गाना का जो म्यूज़िक का जो सेंटीमेंट होता है उसी हिसाब से ढोलक का पैटर्न तो सेम ही रहेगा, धिंग छिकन आके धीना, धिंग छिकन है, लेकिन ड्राम्स का पैटर्न अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर कोई सॉफ्ट गाना हो इसी ताल में, धीम छिकन आके धीना धीम, तब हम लोग क्या बजाएंगे। पहले बात तो ये, हम नोटेशन में अगर ड्राम्स में नोटेशन में आ जाएंगे तो के वन ई एंड टू ई एंड, वन ई एंड टू ई एंड, वन ई एंड टू ई एंड करके हम बजाएंगे, और वन में किक बजाएंगे, मैं धीप छिक ताक झिक, धीप छिक ताक धिस, धीप छिक ताक धिक, छिक ताक धिक, छिक ताक छिक, ऐसे करके बजाएंगे। और क्या, जब गाना अगर सॉफ्ट हो तो फास्ट पैटर्न हम कैसे बजाएंगे, वो हम क्या करेंगे, एक किक और उसके साथ हम एक क्रॉस किक बजाएंगे, टक, मतलब ओके। तो पहले अगर सॉफ्ट गाना होगा तो हम लोग ये बजाएंगे, धिक से टक से, ओके, कैसे बजाएंगे दिखा रहे, और गाना अगर इससे थोड़ा हार्ड टाइप का हो, मतलब पैरन सेम सब ढिक छिक, तब हम लोग स्नेयर बजाएंगे, ढिक छिक ताक छिक, ढिक छिक ताक छिक, ढिक छिक ताक छिक, ओके। अगर बिजी पैटर्न है, हम बिजी मतलब बिजी गाना में बिजी पैटर्न चाहिए, बोल सेम ही है, धिंग छिकन आके धीना धिंग, तो हम दो किक मतलब एक किक एक्स्ट्रा यूज करें, ढिप छिकटा के ढिप, ढिप छिकटा के ढिप, ढिप छिकटा के ढिप, ढिप ढिप छिकटा के ढिप ढिप, इससे भी थोड़ा अगर बिजी चाहिए, ढिप छिकटाक ढिटा, ढिक छिकटाक ढिट, पैटर्न सेम है, धाके धिकन आके धीना, तो ढिप छिकटाक ढिप, ढिक छिकन आके धीना, ढिक छिकन आके धीना। अगर बाउंस करके हम लोग बजाएंगे
जैसे स्नेयर में बाउंस करके ढोलक का जो फील है, सेम फील हम ऐसा कुछ गाना, धिंगड़ धिक्क धिन्न, समझ में आ रहा है? तो वह हम क्या करेंगे, स्नेयर में बाउंस करके बजाएंगे, धिंगड़ धिक्क धिन्न। तो इसी ऐसे ऐसे करके हम लोग ये काहरवा ताल को ड्राम्स में यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारा गाना है जो इसी ना इसी पैटर्न का अंदर आ जाएगा। ओके, तो ये कैसा लगा अब ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।